आपकी 15 साल की उम्र है, आपको दिखाई नहीं देता है, तो क्या लगता है मन में क्या आता है आपके? सर, हमारे मन में यही आता है कि अगर आपके लोग का और हमारे जितने भी भाई हैं, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आप एक ना एक दिन हम भी कुछ करके दिखाएंगे अपने टैलेंट को। टैलेंट आप में क्या क्या है, क्या क्या कर लेते हैं? मैं सिंगिंग करता हूँ और बस खुद का सिंगिंग करता हूँ, क्रिएट करता हूँ सॉन्ग और खुद की शायरी भी बोलता हूँ। अच्छा, खुद बनाते हैं, खुद गाते हैं, जी दूसरे का नहीं गाते हैं, जी गाते हैं, लेकिन जैसे कि अपना ज्यादा गाते हैं। हाँ तो और उसके साथ साथ सिंगिंग के साथ साथ और क्या कुछ हारमोनियम ढोलक वोलक कुछ बजा पाते हैं? जी ढोलक बजा लेते हैं, अभी हारमोनियम पे ट्राई कर रहे हैं, अभी अच्छा सीखे नहीं हैं। अच्छा, तो ये सब कहाँ से आपने सीखा? कोई सिखाया था आपको कि ऐसे सीख लिया आपने? सर गायकी में तो हमारे एक भैया थे, अरे हाँ एक अंकल थे, पहले तो हम गाना गाते थे, तो अच्छा जो ये छोटा छोटा गाना गाते, सिर्फ 2 लाइन गाना गाते थे, कोई भी गाना आता था। तो हमारे एक अंकल थे, तो हमें जैसे कि एक बार गए थे स्कूल में, तो वहीं पर हम दिमाग लगाए कि क्यों ऐसे ही ऐसा होता है, हम एक ही गाना क्यों बार बार गाएं, हर फंक्शन में हर कॉलेज में एक ही गाना क्यों बार बार गाएं, अच्छा हम भी कुछ नया करेंगे। तो हम एक गाना सोचते सोचते गाए थे, 15 अगस्त पे जैसे कि गाते थे हम उसको, तो अच्छा उसको गाए थे। फिर उसके बाद हमारा सिर्फ यही रिपब्लिक डे पे 15 अगस्त पे यही सब गाना बनाते थे। तो हमारे विवेक विशाल चाचा थे जो, वही दोनों अपने नानी के यहाँ, दो लड़के, एक लड़का था उसको गाना दिया आजमगढ़ का हमारे, तो हम पे इतना जोर डाले वो लोग कि मैं भी एक गाना भोजपुरी तैयार करके रख दिया। अच्छा अब वो लोग सुने तो कहे भाई बहुत अच्छा गाना है। तब तक मेरे एक कैमरा वाले भैया हैं, तो उन्होंने हमारा गाना सुना था, तो फिर हमारे दो भैया हैं, सूर्यवली पटेल भैया और मोनू अलवेला भैया, अच्छा ये दोनों लोगों की वजह से हम आज यहाँ पर आपके साथ हैं। अच्छा अच्छा और ये दोनों भैया हमारे बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। आकाश बाबू आपको दिखता नहीं है, दिखाई नहीं देता है, कोई शिकायत है जिंदगी से? कोई शिकायत है कि हम भी देखते, हम भी पूरे ऐसा लगता है कि हम भी देखते दुनिया को अपनी आंखों से देखते, हम नहीं देख पा रहे हैं, तो कितनी तकलीफ बहुत ज्यादा होता सर तकलीफ की बात क्या है, जैसा किस्मत में लिखा रहेगा वैसा ही होगा हमारे साथ। है। तकलीफ होती है कि नहीं होती है? नहीं तकलीफ नहीं होती है। अच्छा, आप जो है ढोलक बजा लेते हैं, गाना गा लेते हैं, हमने कहा